हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एमएससी मैथमेटिक्स इंटरव्यू दे कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये क्वेश्चन है, सपोज हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। फ्रेंड्स, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। जैसे ये है, हमारे पास Z2+Z3 इज आइसोमॉर्फिक टू Z6, Z3+Z6 इज आइसोमॉर्फिक टू Z9, Z4+Z6 इज आइसोमॉर्फिक टू Z24, Z2+Z3+Z5 इज आइसोमॉर्फिक टू 30। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए हमें कोई पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं होती। सिंपली सॉल्यूशंस देखने के लिए हम देखते हैं ये नंबर देखते हैं और ये नंबर देखते हैं। अगर इन दो नंबर का LCM इक्वल टू दिस नंबर हो तो उस कंडीशन में ये स्टेटमेंट ट्रू होता है। जैसे हमारे पास Z2 एंड Z3 है, 2 और 3 का LCM देखें तो 6 है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पे देखें 3, 3, तो यहाँ पे हमारे पास इसका LCM इक्वल नोट 9 है, क्योंकि इसका इक्वल जो LCM वो 3 आएगा, तो उस कंडीशन में ये जो है स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। इसमें देखें Z4 और Z6, तो इसका अगर LCM आता तो वो 12 आता, तो बट यहाँ देखा 24, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए Z2, Z3, Z5, अब इनका एलसीएम देखे तो इनका एलसीएम 6 एंड 5 का देखे तो ये हो जाएगा हमारे पास 30, तो इसका एलसीएम है हमारे पास 30, तो यहां से हम कह सकते हैं ये भी हमारे पास आइसोमॉर्फिक टू 30 है। तो इस ऐसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने के लिए सिंपली नंबर्स देखिए, एलसीएम देखिए, नंबर देखिए, एलसीएम देखिए, और अगर जो मैच हो जाते हैं वो स्टेटमेंट ट्रू होते हैं, और जो नहीं मैच होते वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इसके दो ऑप्शन करेक्ट थे, ए एंड डी। ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस के देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।